नमस्कार, हैप्पी मॉर्निंग फाइटर्स, वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ कॉस्टिंग। टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 17। एज यू कैन सी ओवर हियर, क्वेश्चन नंबर 17। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 17 को करना। लेट्स रीड। ओके, क्वेश्चन 17 की बात करें, अगेन इट इज़ फ्रॉम केस स्टडी डाइजेस्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 तो देखते हैं। यहाँ पे लिख दिया गया है आपका क्वेश्चन 17 पेज नंबर 150 एंड द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन आउटसोर्सिंग। ओके, चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। व्हाइल रीडिंग द क्वेश्चन वी विल मेक द समरी। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या वो चीज़ हमें करनी चाहिए या फिर किसी और को देनी चाहिए, दैट वी विल डिसाइड। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन, यू विल हैव आइडिया। ओके, एंड जैसे ही हम लिखते हैं आपको समरी मेरे साथ बनानी है, एंड इफ़ यू वॉन्ट अ गाइडेंस नोट्स वगैरह यू हैव टू चेक द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट भी दे दी जाएगी ये लेक्चर्स की। लेट्स स्टार्ट नाउ। सेक्रेड हॉस्पिटल, हार्ट हॉस्पिटल, दैट इज SHH शॉर्टकट में बोलेंगे। तो यहाँ पे आई कैन से SHH नाम का हॉस्पिटल है, SHH। ओके, दैट इज द हॉस्पिटल ओवर हियर। और रिनाउंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑफरिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर सर्विसेज टू वन एंड ऑल करके, तो इट प्रोवाइड्स हेल्थ केयर सर्विसेज करके ये अपना क्या है, हॉस्पिटल है। सो इन ब्रैकेट इफ आई वॉन्ट टू राइट दिस टाइम, दिस इज हॉस्पिटल जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, आगे। डिस्पाइट चार्जिंग रीजनेबल प्राइजेज, SHH इज ऑफरिंग द बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट। इट मीन्स यू कैन सी दैट दे आर गोइंग फॉर लो कॉस्ट मॉडल। आप देख सकते हो चार्जिंग रीजनेबल प्राइजेज एंड प्रोवाइड्स बेस्ट पॉसिबल सर्विस, और हम बेस्ट सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं। सो जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये कैलकुलेशन के आगे कहीं पे काम नहीं आएगा, बट बेस्ट सर्विसेज वी प्रोवाइड एंड रीजनेबल प्राइजेस, वी चार्ज रीजनेबल प्राइजेस। सो लो कॉस्ट मॉडल वी फॉलो, हम कम पैसा अपने कस्टमर से, मतलब पेशेंट लोगों से चार्ज करते हैं। ओके, हेंस SHH, यू कैन सी दैट आगे क्या लिखा गया है, हेंस SHH इज द अनडिस्प्यूटेड चॉइस अमॉन्ग द रेसिडेंट फॉर द हेल्थ केयर सर्विसेज। ऑब्वियसली कैंप पैसे में ज़्यादा सर्विसेज, एवरी वन विल गो देयर ओनली। ओके, सिंस SHH इज चार्जिंग अ रीजनेबल फी, हेंस कंट्रोलिंग एंड मैनेजिंग द कॉस्ट बिकम्स अ क्रिटिकल फॉर देम, स्पेसिफिकली स्पेशली द कॉस्ट इन्वॉल्व इन नॉन वैल्यूएटेड एक्टिविटीज और एक्टिविटीज। ओके, नॉट ऑफ प्रिंसिपल नेचर। ओके, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो, आप मैं आपको सिंपल बोलूँ तो, अगर हम सामने वाले को बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं रीजनेबल प्राइसेस में, प्राइस कम चार्ज कर रहे हैं, मतलब हमारा कॉस्ट भी कम होना चाहिए। इट मीन्स वी विल ट्राई टू रिड्यूस अवर कॉस्ट, वी विल ऑलवेज ट्राई टू रिड्यूस अवर कॉस्ट। तो हॉस्पिटल क्या करेगा, अपना कॉस्ट कम करने की कोशिश करेगा। इन विचुअल्स हर बिजनेस ट्राई करते हैं कि कॉस्ट कम हो। आगे, SHH हैज अ कोर टीम, अभी ये बताया गया है, बिकॉज वी चार्ज रीजनेबल फीस, तो हमें अभी कॉस्ट कम करना है। उसमें थोड़ा सा अगर मैं आगे लेके जाऊँ, हमारी एक टीम के बारे में जानकारी दी गई है कि हमारा टीम का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब हॉस्पिटल में काम कर रहे हो तो कौन कौन रहेगा। स्पेसिफिकली जो मेन टीम रहेगा वो एक डॉक्टर्स का टीम रहेगा, डॉक्टर्स लोग, और डॉक्टर्स के अलावा अदर आपका स्टाफ रहेगा, उनके बारे में कुछ जानकारी है। इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन पर्पज, बट जस्ट टू गिव यू द आइडिया आई एम राइटिंग। ओके, लेट्स रीड। SHH has core team of 32 specialist doctor. Okay, वो आगे काम नहीं आएगा वो नंबर, बस बोला है कितने डॉक्टर्स है करके, जस्ट टू क्रिएट वो माहौल, बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए। एंड सम अमॉन्ग देम आर रेसिडेंट डॉक्टर्स, ओके, जो वहाँ पे ही रहते हैं। देन द स्टाफ कंप्राइजेज आर एडमिनिस्ट्रेशन, स्टाफ में कौन कौन आता है डॉक्टर के बाद, स्टाफ में एडमिन टीम आती है जिसमें 15 लोग हैं, अपार्ट फ्रॉम अराउंड 120 नर्सेज सपोर्टेड बाय 40-50 ग्रेड 4 एम्प्लॉयज करके, लाइक प्यून्स एंड ऑल करके। ओके, तो कौन कौन चीज़ आता है स्टाफ के अंदर, अगेन अगर मैं यहाँ पर बोलूँ, स्टाफ के अंदर एक एडमिन वाला पार्ट आएगा, एडमिन स्टाफ आ जाएगा, देन नर्सेस एंड ग्रेड 4 एम्प्लॉयज, ग्रेड 4 एम्प्लॉयज। ठीक है, सो दे हैव गिवन अस सम डेटा, दे हैव गिवन अस सम डेटा टीम के बारे में कि उनकी टीम कैसी है करके। तो एक हॉस्पिटल के बारे में डेटा दिया, उसके बाद उसकी टीम के बारे में डेटा दिया। अभी आएगा जो एक्चुअल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दिस वॉज समथिंग विच वॉज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, आगे अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा सम ऑफ द सपोर्ट सर्विस, सम ऑफ द सपोर्ट स्टाफ आर कैजुअल वर्कर्स एंड सम आर द रेसिडेंट स्टाफ करके, बस वो डेटा दिया गया एम्प्लॉयज, कुछ सपोर्ट स्टाफ है और कुछ रेसिडेंट है करके। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट हॉस्पिटल एंड इट्स एम्प्लॉयज। नाउ कम्स इंपॉर्टेंट पार्ट, नाउ कम्स इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले लिखा हुआ है SHH
SHH is running in-house subsidies, canteen subsidies, मतलब सस्ते रेट पे देना for doctors and staff exclusively. Patient के लिए नहीं है, please remember this, not for a patient, just for doctors and the staff which is there, जिसमें admin nurses वगैरह आ गए, grade 4 employees आ गए, इनके लिए canteen run की जाती है. Operates on all calendars this, तो which is one of the important thing. अभी जो data है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है, canteen का data. तो हॉस्पिटल क्या रन करता है, कैंटीन एक्सक्लूसिवली उसके टीम के लिए, डॉक्टर और स्टाफ के लिए, और ये रन करता है ऑल डेज, ऑल कैलेंडर डेज, मतलब 365 डेज के लिए ये रन किया जाता है. ठीक है, आगे दिस कैंटीन वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ एसएचएच बिकॉज देन नियर बाई एरियाज आर नॉट फुल्ली डेवलप करके, मतलब जब हॉस्पिटल बनाया गया था एज सच कोई ज़्यादा आजू बाजू में कैंटीन्स वगैरह नहीं थी, दैट्स वाई ये कैंटीन बनाई गई थी, किसने, हॉस्पिटल ने बनाई थी अपने स्टाफ और डॉक्टर्स के लिए. ओनली फ्यू ईटरीज वर देयर एंड इधर दे आर अनहाइजेनिक और एक्सेसिवली कॉस्टली. तो आजू बाजू में एक दो दुकानें भी थी हॉस्पिटल की, वो भी महंगी थी या फिर उतना साफ सफाई नहीं रहता था वहाँ पर. ठीक है, इसलिए हमने इन हाउस एक कैंटीन बनाया था. ओके, ड्यू टू एक्सटेंडिंग अर्बन म्यूनसिपल लिमिट्स सिनारियो इज चेंज नाउ. अभी सिनारियो चेंज हो गया है, जब कैंटीन बनाया था तब आजू बाजू में ज़्यादा लोकेलिटी नहीं थी. नाउ मैनेजमेंट एट एस एच एच इज कंसिडरिंग टू ऑल्टरनेटिव. ओके, तो अभी हम दो चीज़ें सोच रहे हैं. करंटली एक सिचुएशन जो है हमारी कैंटीन है, अभी उसमें कुछ चेंजेस करने की सोच रहे हैं, पहला चेंज या तो दूसरा चेंज. पहला चेंज क्या है, टू ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन में. अगर हम टू ऑल्टरनेटिव की बात करें तो उसमें पहला है being downsizing the operation by cut down the choices to eat and reduce a subsidy. तो सबसे पहले सिंपल बोलते हैं, पहले डाउनसाइज करने का सोच रहे, कुछ तो हम ऑप्शंस कम कर देंगे. पहले मान लो तीन तरह के खाना प्रोवाइड करते हैं, अभी दो ही तरह का प्रोवाइड करेंगे, दैट विल कम लेटर ऑन, बट एक डाउनसाइज होने वाले, तो कट डाउन होने वाले चीज़ों में. ओके, और दूसरा है आउटसोर्स द कैंटीन टू, और उसके बाद है आउटसोर्स द कैंटीन टू सम एक्सटर्नल केटरर करके, या तो तुम टेंशन पालो ही मत कैंटीन का, सीधा आउटसोर्स कर दो, वही सामने वाला देखेगा, तुमको कोई झंझट ही नहीं चाहिए करके, अपनी जगह उसको दे दो और उसको बोलो कैंटीन चला यहाँ पे करके, यू कैन रिकवर सम रेंट फ्रॉम देम, राइट. सो द फर्स्ट ऑप्शन इज कट डाउन द सर्विसेज और आउटसोर्स. देखते हैं आगे, पेशेंट्स फूड इज प्रिपेयर्ड बाई द डायट्री डिपार्टमेंट एंड देर इज अ सेपरेट कैंटीन फॉर अटेंडेंट एंड द विजिटर्स ऑफ द पेशेंट्स. तो पेशेंट्स और उनके विजिटर्स रहते हैं जो उनके लिए अलग से कैंटीन है, उसकी बात यहाँ पे नहीं हो रही है. स्पेसिफिकली वी आर थिंकिंग अबाउट विच कैंटीन, द कैंटीन विच रन्स एंड प्रोवाइड्स फूड टू हूम, डॉक्टर्स एंड स्टाफ, उनके बारे में ही बात हो रही है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. एक करंट सिनारियो क्वेश्चन के अंदर दिया गया, यू कैन हैव अ लुक, देर इज वन करंट सिनारियो. After current scenario, there is a downsize वाला scenario जो alternative 1 है, then there is a outsourcing वाला जो alternative 2 है. तो तीन situation से, current scenario, downsize करना है, outsource करना है, तीनों में से जहाँ पे cost कम होगा, जहाँ पे hospital को ज़्यादा benefit होगा, hospital will go for that. Okay? तो यहाँ पे I can say that canteen को लेके अभी हमारे पास तीन चीज़ें हैं, actually दो चीज़ें हैं, एक है current और उसको लेके फिर दो चीज़ों के बारे में हम सोच रहे हैं. तो कौन सी चीजें सोच रहे हैं देखना. सबसे पहला ऑप्शन विच वी आर थिंकिंग अबाउट इज फर्स्ट, सबसे पहले करंट सिनारियो, व्हाट इज अवर करंट सिनारियो, दैट वी विल सी. देन द ऑप्शन विच वी हैव इज डाउनसाइज. लेट अस डाउनसाइज द ऑपरेशन, दैट इज वन ऑप्शन, एंड देन देयर इज अ आउटसोर्सिंग. ओके फाइन, तो क्या करना चाहिए करके, करंट में ही रहना चाहिए, डाउनसाइज करना चाहिए या फिर आउटसोर्स करना चाहिए करके. ओके, तो सम डेटा विल बी प्रोवाइडेड. नाउ इफ यू रीड द रिक्वायर्ड पार्ट एडवाइस, पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले वो तीन ऑप्शन एडवाइस की बात करेंगे, आपको किस चीज के बारे में एडवाइस करना है. तो एडवाइस द मैनेजमेंट ऑफ एसएचएच सपोर्टेड विद द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो यू हैव टू एडवाइस द मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल, जो हॉस्पिटल है एसएचएच, उसको एडवाइस करना है. पहला, डाउनसाइजिंग ऑपरेशन बाय कट डाउन मेन्यूज एक्सेप्टेबल और नॉट. तो पहले डाउनसाइज के बारे में बताओ, मतलब पहले इन दोनों का ही कंपैरिजन बताओ कि करंट सिनारियो से डाउनसाइज पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये आपको बताना है. ओके, दैट इज वन थिंग दैट वी विल डू. ओके, आगे, वेदर एसएसएच एबल टू रिड्यूस द सब्सिडी कॉस्ट बाय 50%. अगर आप यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट करते हो तो क्या आपका कॉस्ट 50% से कम होता है कि नहीं होता है, वो पूछा गया. ठीक है, एंड थर्ड ऑप्शंस, व्हाट आर द क्वालिटेटिव फैक्टर्स विच इज नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स. हम इसको बोलेंगे नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स करके, दिस इज फाइनेंशियल करके, दैट वी विल सी. ओके, देन देयर इज अनदर रिक्वायरमेंट, एडवाइस द मैनेजमेंट. अब ये आउटसोर्स के बारे में रहेगा एक्चुअली में, तो दैट इज सेकंड रिक्वायरमेंट दैट वी विल रीड. अभी के लिए हमने एक थोड़ा सा आइडिया दे दिया है आपको, पहला कंपेरिजन इन दोनों के बीच में है,
फिर लास्ट में पूछा रहेगा आउटसोर्सिंग बेटर ऑप्शन है कि नहीं, विच इज द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। एक काम करता है, पहले मैं इन दोनों को फोकस करता हूँ, इनका एक टेबल बनाता हूँ, फिर हम आउटसोर्सिंग के बारे में बात करेंगे। वी विल रीड द क्वेश्चन। तो अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, देन आई विल राइट करंट, देन आई विल राइट डाउन साइज। ओके, फिर आउटसोर्सिंग को बाद में देखते हैं, पहले पढ़ते तो जाते हैं क्या क्या डेटा दिया गया है। ओके, नाउ लेट मी रीड द क्वेश्चन। वापस आते हैं करंट सिनेरियो पे, जहाँ पे अब ना पढ़ना बाकी है। चलो स्टार्ट करते हैं एकदम, प्लीज फोकस। ओके, नाउ ऑन डेली बेसिस, डेली बेसिस मतलब हर दिन की बात हो रही है, अराउंड 160 कूपन्स फॉर मील, खाना पीना जो आपका दोपहर का रहेगा और रात का, ऑफ ₹140, तो ₹40 प्लेट के हिसाब से आपको देते हैं 160 कूपन्स। ओके, 120 कूपन्स फॉर स्नैक्स अकम्पनीड विद द टी और कोल्ड कॉफ़ी, तो ठीक है कुछ स्नैक्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं, 120 कूपन्स उसके हैं, एंड वी चार्ज कितना रुपया, 20 रुपीज वी चार्ज फॉर दैट। सोल्ड अपार्ट फ्रॉम द सेल ऑफ 2000 फॉर जूसेस एंड बिस्किट्स, और जूसेस से अपने को ₹2000 का रेवेन्यू जनरेट होता है, ये डेली बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट होता है तीन जगह से। एक देखो सिंपल है, बात एकदम सिंपल है। अब यहाँ पे ये स्टाफ है, ये डॉक्टर है और ये स्टाफ है, ये लोग आएंगे और ये हमारी कैंटीन है, राइट? तो इनको हमें क्या देना पड़ेगा, खाना देना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये हम लोग को क्या देंगे, पैसा देंगे, हम इनको मील प्रोवाइड करेंगे, स्नैक्स जूसेस एंड बिस्किट्स प्रोवाइड करेंगे, सो देर विल बी अ सेल्स, वो अपन को पैसा देंगे, उनके बदले में हमारा क्या क्या खर्चा होगा, एक तो ये सप्लाई करने का खर्चा, ये सारा चीज़ बनाने का खर्चा वगैरह होगा। तो देखते हैं, एक कॉस्ट ऑफ सप्लाई आने वाला है, कॉस्ट ऑफ सप्लाई मतलब जो चीज़ आप सप्लाई कर रहे हो उसका कॉस्ट क्या रहेगा, अगर जूस सप्लाई कर रहे हो तो पैसा चार्ज किया और जूस का कॉस्ट क्या रहेगा, वो दैट इज़ कॉस्ट ऑफ सप्लाई। उसके बाद जूस जहाँ पे बनाया जाता है, दैट इज़ यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस, उसकी मशीनरी, उसका डेप्रिसिएशन वगैरह वो चीज़ें आ जाएगी, जो लेबर काम कर रहा है उसका खर्चा आ जाएगा। तो खर्चा क्या क्या आ सकता है, देखो एक तो सेल्स आ जाएगा आपका, क्या मील्स आएगा, स्नैक्स आएगा और जूस एंड बिस्किट से आएगा, उसके वो बनाने का खर्चा दैट इज़ कॉस्ट ऑफ सप्लाई आ जाएगा, और उसको बनाने के लिए लेबर लगेगा, कुछ मशीनरीज वगैरह लगेगी, तो यूटिलिटीज़ एंड मेंटेनेंस वगैरह, तो ये सारे आपके खर्च आएंगे, ठीक है। नाउ लेट्स हैव अ लुक, यू विल अंडरस्टैंड दैट जो मैं बोल रहा हूँ आपको क्वेश्चन में मिलेगा वंस वी रीड द क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, लेट्स रीड द क्वेश्चन, आगे क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले सेल्स में तीन चीज़ों का डेटा दिया है, तो आई विल राइट सेल्स, आई विल गिव द हेडिंग एज सेल्स। सेल्स में देखो क्या क्या है, पहला ऑप्शन है मील्स, दूसरा ऑप्शन है स्नैक्स एंड जूसेस एंड बिस्किट्स। तो यहाँ यहाँ से अपना पैसा आता है, कितना कितना, तो मील्स से अगर आप देखोगे तो 160 कूपन्स मल्टीप्लाइड बाय 40, तो 160 इंटू 40 ओवर हियर, 160 कूपन्स, और हर एक के लिए हम लोग ₹40 चार्ज करते हैं, ठीक है। देन देर इज़ 120 कूपन्स एट द रेट ऑफ ₹20, ये स्नैक्स का है, तो 120 इंटू 120 इंटू 20, ठीक है, सो हियर वी गो, 120 कूपन्स मल्टीप्लाइड बाई ₹20। ओके, देन अगर हम आगे बढ़ेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड, आगे आपका एक टोटल दे दिया है 2000 का, 2000 रुपीज आपको जूसेस एंड बिस्किट से मिलता है, 2000 रुपीज, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर लिखा गया था समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेली वर्ड लिखा गया था, समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेली बेसिस पे होता है, मतलब अगर मैं इनको अगर लिख दूँ तो दिस इज पर डे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस थिंग इज पर डे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ तो पर डे, ये एक दिन का जो भी डेटा है वो, ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज कुछ डेटा पर मंथ का रहेगा, कुछ पर डे का, कुछ पर एनम का, तो यू शुड नो कौन सा डेटा क्या चीज है करके। ओके, आगे पढ़ते हैं, ये तो सेल्स हो गया, इसको भी ये बना के देना पड़ेगा, तो दीज सप्लाईज, आगे लिखा गया है दीज सप्लाईज कॉस्ट 70% ऑफ द सेल्स प्राइसेस, तो सर उसको जूस बना के दिया, खाना बना के दिया, तो जो खाना बनाया तो उसके लिए जो बनाने का कॉस्ट था, वो सप्लाई जो राइस वगैरह था या फिर वॉट एवर इट इज, अगर टी बनाने के लिए मिल्क वगैरह, उसका कॉस्ट कितना है, तो आ जाएगा भी कॉस्ट, कॉस्ट के अंदर देखो क्या क्या आएगा, पहला आएगा आपका कॉस्ट ऑफ सप्लाईज, क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ सप्लाईज, अच्छा सप्लाईज विच इज कितना, तो इफ यू सी दैट इट इज 70% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो आई कैन जस्ट राइट 70% ऑफ सेल्स इट इज, ओके इट इज 70% ऑफ सेल्स। आगे बढ़ते हैं, देन इट इज रिटन कैंटीन ऑल्सो इनकर्स
25,000 फॉर यूटिलिटीज एंड मेंटेनेंस ईच मंथ है ये. ओके तो ये है आपका यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस का, मतलब आपकी जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह वहां की रहेगी और उसका मेंटेनेंस का खर्चा. तो यूटिलिटीज एंड मेंटेनेंस का खर्चा, यूटिलिटीज एंड मेंटेनेंस विच इज 25,000, बट अगेन यू जस्ट नीड टू रिमेंबर इट इज पर मंथ. ओके ये एक महीने का 25,000, यू कैन सी दैट इट इज रिटन ईच मंथ करके. ओके दैट इज इंपॉर्टेंट. आगे कैंटीन वर्क्स अराउंड द क्लॉक. अराउंड द क्लॉक मतलब 24 आवर्स काम करते बिकॉज हॉस्पिटल है. ऑब्वियसली हॉस्पिटल तो पेशेंट 24 घंटा रहेगा, डॉक्टर्स भी 24 घंटा रहेंगे उधर, और डॉक्टर 24 घंटा है तो खाना भी चाहिए रहेगा उनको, राइट, शिफ्ट वाइज रहेगा. आगे विद द म्यूचुअल रोटेटिंग रोटेशन अमॉन्ग द स्टाफ. ओके देर विल बी अ स्टाफ लाइक 12 to 8 का एक टाइमिंग रहेगा, तो 8-8 घंटे की शिफ्ट हो सकती है वहां पर, या तो डिपेंड्स जो भी 8-8 आवर्स के अपन बोलेंगे तो 3 शिफ्ट्स विल बी देयर. ओके 24 आवर्स के लिए. नाउ द मील इज सर्व्ड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक आवर्स. तो मील जो खाना होता है आपका, दोपहर का खाना, रात का खाना, तो वो स्पेसिफिक आवर्स रहेगा कि 2 to 3 तक खाना दोपहर का, रात को 8 to 9 तक स्पेसिफिक आवर्स. वेर एज स्नैक्स एंड जूसेस एंड बिस्किट्स अवेलेबल थ्रू आउट. तो आपके जो भी स्नैक्स वगैरह अवेलेबल है ना वो थ्रू आउट, मतलब कभी भी रात को 2 भी अवेलेबल रहेगा. रात को 2 खाना अवेलेबल नहीं रहेगा, लेकिन आपको स्नैक्स और बिस्किट्स मिल जाएंगे करके. ओके तो दैट इज समथिंग विच दे हैव गिवन अस, द डेटा बस दिया है कि कब क्या अवेलेबल है. Presently, canteen has a staff. अभी staff की बात करते हैं. पहले जो चीज़ बनाने के लिए मटेरियल लगेगा और जो मशीन लगेगा उसका यूटिलिटीज एंड मेंटेनेंस बोलते हैं. अभी स्टाफ, प्रेजेंटली कैंटीन हैज अ स्टाफ ऑफ 7 मेंबर्स. ठीक है, 7 लोग वहाँ पे काम करते हैं, इंक्लूडिंग शेफ, हेल्पर एंड क्लीनर वगैरह, साफ सफाई करने वाला. अगर आप पढ़ोगे देन द मंथली सैलरी ऑफ दिस 7 स्टाफ मेंबर, 7 का मिला के है ये. ओके इज 1,40,000. तो अगर मैं सैलरी की बात करता हूँ स्टाफ की, अभी यहाँ पे स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी विच इज 1,40,000, अगेन यू जस्ट नीड टू स्पेसिफाई अगेन इट इज वॉट पर मंथ करके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्टाफ सैलरी इज 1,40,000. आगे बढ़ेंगे. SHH also contributes 19,120 पर मंथ एज अ स्टेट्यूटरी लेबर बेनिफिट करेगा. तो अपना स्टेट्यूटरी लेबर बेनिफिट में भी ट्रांसफर होता है पैसा, तो कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टैट्यूटरी लेबर बेनिफिट, SLB में शॉर्टकट में लिख देता हूँ, स्टैट्यूटरी लेबर बेनिफिट. सोल्यूशन में फिर अच्छे से लिख देंगे कितना, 9,120 पर मंथ, 9,120 अगेन इट इज पर मंथ करके. कुछ डेटा पर डे का था, कुछ डेटा पर मंथ का है, ठीक है, यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट. आगे ओनली दोज एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड फॉर सच बेनिफिट्स हुज सैलरी आर बिलो द थ्रेशोल्ड लिमिट प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रिस्पेक्टिव लेबर लेजिस्लेशन. ठीक है, तो ये बोला है जिनका भी वो लेजिस्लेशन के प्रेस्क्राइब लिमिट में ही सैलरी है उसके नीचे उन्हीं के लिए एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा स्टेट्यूटरी लेबर बेनिफिट में. ठीक है ना, अपने को सीधा अमाउंट दे दिया तो अपने को टेंशन नहीं देना है, लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं. वी जस्ट नो दैट की कंपनी का 9,120 जाएगा करके. सर ये करंट सिनारियो है, करंटली ऐसा हो रहा है. ओके सो दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग करंटली राइट नाउ. वॉट कंपनी इज थिंकिंग ऑफ डाउन साइजिंग जब करने की सोच रहा है, वॉट इज द गोल ऑफ द कंपनी. देख दिस is something which is currently happening. अब company अगर downsize करने का सोचेगा तो क्या होएगा sir? तो देखते हैं, पढ़िए पढ़िए, you will understand. With the aim to reduce the subsidy at least 50%. Subsidy मतलब जो company के लिए cost है. देखो simple है, अगर 10 रुपए का सेल है जो डॉक्टर से रिसीव हो रहा है और 15 रुपए का हमारा कॉस्ट है, तो एक्चुअली 5 रुपए की सब्सिडी है यहाँ पे, हम बोल सकते हैं विच इज कॉस्ट टू द कंपनी राइट. सब्सिडी गिवन टू द डॉक्टर इज नथिंग बट कॉस्ट टू द कंपनी. डॉक्टर को सस्ते में मिला, मतलब कंपनी ने, हॉस्पिटल ने बेयर किया 5 रुपया. तो अभी हम ये सब्सिडी कम करने का सोच रहे हैं, कितने से, 50% से, मतलब कॉस्ट कम करने का सोच रहे 50% से एट द एंड जो नेट कॉस्ट आता है. तो अवर टारगेट इज टू रिड्यूस रिडक्शन इन सब्सिडी बाई 50%, रिडक्शन इन सब्सिडी बाई 50%. दिस इज वॉट माई टारगेट इज, दिस इज माई टारगेट कि मेरा जो सब्सिडी अभी अपन कट डाउन करो, डाउन साइजिंग करो और 50% से सब्सिडी को कम करो. अभी जरा ध्यान से सुनना चीज़ों को. देखो पहले सेल्स आ गया है एंड कॉस्ट आ गया है. अभी अगर मैं एक एक करके पढ़ूँ, द ऑपरेशन कैन बी डाउन साइज बाई कटिंग डाउन द स्नैक्स फ्रॉम द मेनू. स्नैक्स को हटाई दो. हम 3 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं. वॉट डू वी प्रोवाइड हम नॉन फाइनेंशियल वाले पार्ट पे भी आएंगे. वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट फाइनेंशियल पार्ट्स. पहला तो हम मील प्रोवाइड कर रहे हैं, स्नैक्स और जूसेस एंड बिस्किट्स. अभी अपन बोलते हैं स्नैक्स देने का ही नहीं, क्यों, ये स्नैक्स भी देने का, सीधा खाना खाओ और चाय बिस्किट वगैरह जो भी आपका, दैट इज जूसेस एंड बिस्किट लो बस. तो स्नैक्स को हटाई दिया बीच में से, ब्रेकफास्ट वगैरह जो भी है, दैट इज समथिंग विच हैज बीन रिमूव. तो ये देने का ही नहीं करके यहाँ पे कैंसिलेशन है, नहीं देने का.
कट डाउन, तो आइदर यू कैन से ऐसा हाँ क्रॉस मार्क कर देते हैं, चलो कि ये देना ही नहीं है करके, ओके ठीक है। देन आगे पढ़ते हैं, द मील द प्राइस ऑफ द मील विल बी इंक्रीज बाय 5%। सब्सिडी कम करना है हमें, कंपनी का कॉस्ट कम करना है, मतलब रेवेन्यू भी बढ़ाना पड़ेगा, तो वी आर सेइंग जो मील प्रोवाइड होता है उसका प्राइस 5% से बढ़ा देने का। दिस इज द प्राइस, 160 कूपन थे अगर आप चेक करोगे तो 40 रुपया एक का प्राइस था, तो 40 रुपया अगर एक का प्राइस था, आई होप यू अंडरस्टैंड, now the price will be 40 + 5%, whatever it is that you will have to do, 40 + 5% you will do and you will get your answer, that will increase by 5%। cut down will reduce the staff requirement, जो अपना 7 का staff था आप देख सकते हो, 7 लोग जहाँ पे काम कर रहे थे, cut down में हम कुछ लोगों को भी हटा देंगे, तो उससे क्या होगा, reduce the staff requirement, redundantly monthly salary expenditure expected to reduce बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रिड्यूस टू या रिड्यूस बाय मतलब इतने से कम होगा, तो कितने से कम होगा, 63,500, इट मींस करंटली जो भी आपका सैलरी था 1,40,000, नाउ दिस विल बी रिड्यूस बाय -63,500, दैट इज समथिंग विच आई कैन से दैट विल बी रिड्यूस बाय 63,500, यस। वेर एज द, अगर आप आगे पढ़ते हो, वेर एज द कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टेट्यूटरी लेबर बेनिफिट, अगर हम इसकी बात करें, ऑल्सो रिड्यूस्ड टू, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी वर्ड का यूज किया गया है, टू यूज किया गया है, मतलब इतने तक आ गया, पहले मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कितना हुआ करता था सर, पहले मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन 9120 हुआ करता था, नाउ इंस्टेड ऑफ 9120 आई विल पे कितना, 5420 करके, 5420 रिड्यूस टू, मतलब यहां तक आ गया, ओके दैट इज समथिंग विच वी नो, ओके नाउ आगे बढ़ते हैं, द एवरेज cost of supplies increased by 7% of the selling sales price करके, तो जो चीज़ें हम supply कर रहे थे पहले 70% of sales हो रहा था, now that will be 73% of sales, it will increase by 3%, see it is written on the sales price, तो cost of supply will increase, that will be 73% of sales, 3% से वो बढ़ जाएगा, 70 की जगह पे 73% ऑन सेल्स हो जाएगा। देयर इज इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ मील कूपन बाय 30, मील कूपन बाय 30 कूपन्स, जो मील के कूपन्स थे आप देख सकते हो, मील के कूपन्स पहले कितने सेल हो रहे थे, 160 कूपन्स वी यूज्ड टू सेल, बट नाउ द नाउ बिकॉज आपने स्नैक्स को रिमूव कर दिया तो भूख लगेगी तो आदमी खाना खाएगा, तो दैट हैज बीन इंक्रीज, कुछ लोग स्नैक्स से भी अपना काम चला रहे थे, लेकिन अभी आपको खाना खाना पड़ेगा, एक ऑप्शन कट हो गया है ना, तो अभी अगर एक ऑप्शन आप हटा देते हो तो लोग या तो फिर मील या तो जूसेस एंड बिस्किट्स के यहाँ पे जाएंगे, तो उनका सेल्स बढ़ जाएगा अगर आप एक ऑप्शन कट कर देते हो तो उनके लिए, तो नाउ बिकॉज ऑफ दिस, नाउ इंस्टेड ऑफ 160 कूपॉन्स गाइस देयर इज इंक्रीज इन द कूपॉन्स बाय 30, राइट, यस, तो नाउ यू विल सेल हाउ मेनी कूपन्स, तो 160 + 30 कूपन्स यू विल सेल, ओके नाउ largely due to the absence of alternate choice, that is something snacks जो हट गया है, the sale of juices and biscuits is also increased by 10%, तो पहले वो 2000 हुआ करता था, now that will also increase by 10% daily basis पे है ये information per day, that will also increase by 10%, other aspects of the operation remain the same, sir other में बचा क्या है जिसके बारे में जानकारी नहीं दिया है, sir एक ही तो बचा है sir, इसकी भी जानकारी दे दी थी, ये हटा दिया, ये बढ़ गया, ये सब दे दिया, the only one thing which is remaining is this 25,000 यूटिलिटीज एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट, कुछ नहीं बोला तो वो कितना रहेगा, 25,000 ही रहेगा आपका, अदर एस्पेक्ट में आ जाएगा, दैट विल रिमेन सेम ओनली, वो नहीं भी बोला होता वी वुड हैव अज्यूम्ड कि वो सेम ही रहेगा, यस सर। यहां तक हमारी बात हो जाती है डाउनसाइजिंग वाले के बारे में, इसके ऊपर आपका पहला रिक्वायरमेंट बेस्ड है और जिसके अंदर तीन पार्ट्स, अगर आप देखोगे दिस इज फर्स्ट रिक्वायरमेंट विच हैज थ्री पार्ट्स, जिसके ऊपर ये हो जाएगा, नाउ देयर इज आउटसोर्सिंग आल्सो, चलो उसका समरी बना लेते हैं आउटसोर्सिंग का, बाद में आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो नाउ वी आर गोइंग फॉर आउटसोर्सिंग, एक करंट सिनारियो हो गया, एक डाउनसाइजिंग हो गया, नाउ आई एम गोइंग फॉर आउटसोर्सिंग, चलो आउटसोर्सिंग की बात करते हैं, आउटसोर्सिंग का मतलब होता है अपनी ये काम करेंगे नहीं, ये काम किसको दे देंगे भाई, सामने वाले को दे देंगे, तो सामने वाला ही सारा खर्चा करेगा, लेबर भी उसका, सब कुछ उसका, अपने को झंझट नहीं लेना, आप खाली वो जगह उनको दिया है ना उसका रेंट कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं आउटसोर्सिंग मतलब सामने वाला सब चीज़ करेगा, तो आउटसोर्सिंग भी ऐसी नहीं की जाती, बहुत सारे प्रपोजल्स आएंगे और उनमें से एक को सेलेक्ट किया जाएगा, तो दैट इज समथिंग विच इज रिटर्न, आउटसोर्स द कैंटीन टू सम एक्सटर्नल केटरर करके, अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि हम आउटसोर्सिंग करना चाहते हैं, 4 proposals are received out of which only found suitable by a screening committee which also meets all the established criteria, such proposal is from the Annapurna caterer, so they want to say that hospital ne 4 logon se wo jo committee thi usne 4 proposal liye the aur usme se fir ek ko select kiya aur wo hai Annapurna caterers jiska data apne paas hai, to apne ko dekhna hai Annapurna ko outsource karna chahiye ki nahi karna chahiye, to data padhte hain, they offered annual lease value of
168,000. तो नाउ दिस इज सेल्स फॉर अस. व्हाई? हमारी जगह है, अन्नपूर्णा केटरर वाला आएगा, अपनी जगह यूज करेगा, तो हमें क्या देगा? रेंट देगा. तो एक तरीके से ये मेरी इनकम है, सेल्स. और इनकम आई क्या आंसर? सेल्स नहीं बोलना चाहिए, इनकम बोलना चाहिए. वैसे इनकम आई क्या आंसर? इनकम. बिकॉज हम कुछ बेच नहीं रहे, हम खाली कलेक्ट करें पैसा. तो इनकम में क्या आ जाएगा? इनकम में पहला आ जाएगा लीज रेंटल. लेट मी चेक. यस, एनुअल लीज वैल्यू. तो लीज का कितना रुपीज मिलेगा? 1,68,000. 1,68,000 यू विल रिसीव. अगेन दिस इज व्हाट पर एनम. लीज वैल्यू, लीज वैल्यू इतना आपको मिलेगा पर एनम, इतना 1,68,000. अच्छा, इसके अलावा भी कुछ मिलेगा आपको. एंड शेयर ऑफ 2% इन द रेवेन्यू. तो आपको बोला इतना तो पक्का मिलेगा लीज का 1,68,000, प्लस हम जितना भी सेल करेंगे उसका 2% भी आपको देंगे. तो हॉस्पिटल के लिए इनकम है. अंडरस्टैंड दिस. अन्नपूर्णा कैटरर वाला, अन्नपूर्णा, यस अन्नपूर्णा वाला अपने को देगा, हम हॉस्पिटल है, राइट? तो अपने को 2% ऑफ सेल्स भी मिलेगा. तो 2% ऑफ सेल्स जो भी अन्नपूर्णा वाला करेगा, तो लेट अस कैलकुलेट दैट. वो भी कहीं ना कहीं पर दिया रहेगा, देखेंगे. There is one more thing. Only 20% of monthly and utility maintenance expenditure pertaining to canteen will be recovered from Annapurna caterers. वैसे आप देखोगे तो अभी वो वहाँ पे लीज अपने को दे रहा है. देखो, उसने जगह ले ली अपने हॉस्पिटल की, तो वो अपने को लीज दे रहा है. और लीज में दो चीज़ें दे रहा है, एक तो फिक्स अमाउंट और एक सेल्स का 2% दे रहा है. अब वहाँ का जो मशीनरी वगैरह वो यूज़ कर रहा है, तो उसका वो सारा पैसा हमें नहीं देगा. ही विल गिव अस ओनली 20%. ओके, 20% ही विल गिव अस. तो 20% of utilities and maintenance is also income. Utilities that will be recovered from him. मतलब 80% अपना खर्चा होगा, सिंपल बोलू तो. Utilities and maintenance. Okay, which is 25,000 per month होता है utilities and maintenance का. जिसका 20% सामने वाला मुझे देगा, तो if that is the thing, 25,000 into 20%, that fellow will pay me 5,000 per month. Okay, it is per month. Please remember, ऊपर वाला per annum था. And then अगर हम बात करेंगे, it is expected by Annapurna caterers that it will be able to sell कितना? It कितना meals बेच पाएगा? कितना snacks और कितना biscuits वगैरह बेच पाएगा? तो I can say simply, ये जो 2% है, ये sales का रहेगा. और अगर मैं यहाँ पे sales निकाल के रख दूँ, तो सेल्स विल बी, वो कितना सोच रहा है? तो तीन चीज़ों का वो सेल्स सोच रहा है. मील, देन देर इज अ स्नैक्स, देन देर इज अ बिस्किट्स एंड जूसेस करके. तो दैट फेलो इज थिंकिंग अन्नपूर्णा वाला, वो 150 मील्स एट द रेट 150 मल्टीप्लाइड बाई, आई थिंक इट इज 15, नहीं इट इज 50, राइट? 150 इंटू 50 इतने का वो सेल करेगा एक दिन में. और देन 100 स्नैक्स इंटू 30, 100 into 30, then biscuits and 2,500. On क्या लिखा है? Daily basis, 2,500. तो ये daily basis पे, और इसका फिर जो भी आएगा वो 2% निकाला जाएगा, और ये daily basis का आंसर रहेगा. ठीक है, is there anything which is given? No. अच्छा, एक चीज़ और देखो, मेरे को इतना रुपया, तीन चीज़ें रिकवर होने वाली है. एक तो लीज वैल्यू, एक तो 2% ऑफ सेल्स जो भी रहेगा वो, 20% मुझे खर्चा मिलेगा सामने से, मतलब 80% मेरा होगा. आई कैन से 100% ऑफ यूटिलिटीज़ में मेरा यहाँ पे लिखूंगा यूटिलिटीज़ एंड मेंटेनेंस. तो अगर मेरा जो भी खर्चा होता है, ऐसा हम दो वेज है लिखने के. आइदर आप बोल सकते हो, सर 20 रुपया मिला, 100 रुपया मेरा खर्चा हुआ, एट द एंड 80 का खर्चा मेरा हुआ. दैट इज हाउ यू कैन राइट. और यू कैन डायरेक्टली से कि 80% का मेरा खर्चा हुआ. आपको जैसा भी लिखना हो, आपके जेब से 80 रुपया जा रहा है, बस ये होना चाहिए यूटिलिटीज एंड मेंटेनेंस का. दैट इज समथिंग यू शुड नो. तो यूटिलिटीज एंड मेंटेनेंस यू विल इनकर वट एवर इट इज 25,000, दैट यू विल इनकर. एंड फ्रॉम 25,000 5,000 यू विल रिकवर. तो 20,000 का ही आपका खर्चा होगा. दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. यस, क्या हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया? यस सर, वी हैव रेड द एंटायर क्वेश्चन. इट टुक अराउंड 28 मिनट्स, बट ठीक है, वी हैव थॉरली अंडरस्टूड द क्वेश्चन. एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन. क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए. नाउ लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन. अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले पार्ट पे आते हैं. फर्स्ट लेट अस रीड द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है? सर एडवाइस, एडवाइस देना है द मैनेजमेंट ऑफ SSH जो हॉस्पिटल है, सपोर्टेड विद द फॉलोइंग पॉइंट्स. तो तीन चीजों पे आपको बात करनी है. पहला पॉइंट, वेदर डाउनसाइजिंग ऑफ द ऑपरेशन, वेदर डाउनसाइजिंग ऑपरेशन बाय कट डाउन मेन्यू इज एक्सेप्टेबल और नॉट. तो देखेंगे कि कहाँ पे खर्चा कम होता है अपने लिए, वो बेटर ऑप्शन है. और फिर सेकेंड ऑप्शन पे जाएंगे. पहले पहला ऑप्शन, हम दोनों के कॉस्ट को कंपेयर करेंगे. यहाँ पे कंपनी के, मतलब हॉस्पिटल के जेब से कितना जाता है, यहाँ पे हॉस्पिटल के जेब से कितना जाता है, कहाँ पे सस्ता पड़ता है,
हॉस्पिटल को देखते हैं, तो पहले उसकी बात करते हैं। तो आई होप इफ यू जस्ट वॉन्ट टू टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस, हियर वी गो, नोट्स विल बी अटैच इन द डिस्क्रिप्शन, और एल्स यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन द नंबर विच इज 9967736613। ठीक है, ओके, नाउ सो यू कैन जस्ट टेक द स्क्रीन शॉट इफ यू वॉन्ट, द फर्स्ट ऑप्शन इज दिस, ओके, इसके बाद दिस एंड दिस। नाउ फर्स्ट वी आर गोइंग टू कंपेयर दिस ऑप्शन गाइस, दिस करंट वर्सेस डाउनसाइजिंग वाला पार्ट, ओके, दैट वी विल कंपेयर। तो मैं यहां पे आता है पहले पार्ट, पहला रिक्वायरमेंट जिसके अंदर ए रिक्वायरमेंट पहले का, डाउनसाइजिंग ऑपरेशन बाय इज एक्सेप्टेबल और नॉट, तो स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट हम लिख देंगे, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, व्हाट यू विल राइट, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट, ओके। जब आप ये लिखते हो आपको दो चीजों को कंपेयर करना है, कौन सी सर, सिंपल पर्टिकुलर्स, ओके, देन यू विल हैव अ करंट सिनेरियो, करंट एंड डाउनसाइजिंग करके वैसा, देयर इज अ करंट सिनेरियो एंड द ऑप्शन इज डाउनसाइज, ठीक है। सो नाउ व्हेन आई से द पर्टिकुलर्स करंट सिनेरियो एंड डाउनसाइजिंग, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं टोटल कॉस्ट की, तो यहां पर एक काम करेंगे आप, उन सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे यू विल गेट योर नेट कॉस्ट करके, ओके, तो यू कैन राइट दिस मच। अभी हम आगे बढ़ेंगे, तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते अपना लॉस कितना होता है या फिर कितनी सब्सिडी प्रोवाइड होती है, लेट्स रीड द क्वेश्चन यू विल अंडरस्टैंड दैट। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पढ़ना, हालांकि द समरी इज देयर फॉर मी, तो लेट मी डू जस्ट वन थिंग, सबसे पहले मैं सेल्स लिख दूंगा तीन चीजों का, मील्स स्नैक्स देन जूसेस एंड बिस्किट्स करके, ओके, व्हाट वी विल डू इज व्हेन वी मेक द स्टेटमेंट इट विल बी द एनुअल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट एनुअल बेसिस, एक साल का कंपेरिजन करेंगे, कोई तो एक विंडो आपको डिसाइड करनी होगी, वन मंथ और मे बी वन ईयर, वन ईयर इज प्रेफरेबल ऑप्शन कि एक साल में क्या होगा, ओके, बिकॉज आपका वो जो लीज वगैरह वो भी एक साल का दिया, इट इज प्रेफरेबल, यू कैन गो फॉर वन मंथ ऑल्सो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। नाउ 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 सर, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, पहले सेल्स निकालते हैं सर, अगर आपको सेल्स निकालना है, सेल्स में तीन चीजें हैं, यस सर, सेल्स में तीन चीजें हैं, पहला है मील्स जिससे पैसा आता है, दूसरा है स्नैक्स देन जूसेस एंड बिस्किट्स करके, उससे पैसा आता है, तो सर कितना कितना पैसा आता है, सिंपल है, देखो यहाँ पे वी हैव द डेटा, ओके, थोड़ी देर के लिए मैंने यहां पे उसको लाके रख दिया है, नाउ आई कैन सी दैट आई विल नॉट रीड द क्वेश्चन, ओके, इफ यू वांट यू कैन हैव अ लुक, आप करंटली 160 कूपन्स बेचते हो 40 रुपये के हिसाब से, दैट इज मील से इतना पैसा आ जाएगा, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, ओके, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 365 डेज, ओके, else what we can do is if I just want to go for the shortcut part, what we will do is we will do something like this, pehle yahi multiply karenge, ye daily basis ka ek total karenge, fir multiplied by 365 karenge, batata hu, ye hai 120 coupons aap ek din mein bechte ho at the rate of rupees 200, okay, and here you go, because earlier you used to sell 160 coupons, abhi wo 30 se badh jayega, so now you will sell 190 coupons multiplied by 40 plus 5%, That is 42 now. So 190 into 42. ठीक है. Here we go. आप अभी ये snacks का option ही cut down कर दोगे तो वो आएगा ही नहीं करके. ठीक है. That will not come. अच्छा. पहले 2000 का sales होता था एक दिन में. अभी 2200 का होगा. Because वो increase हो जाएगा ना. Yes guys. Earlier sales was 2000 per day. Now that will increase by 10%. So that will become 2200. Now. एक काम करते हैं. ये वाला चीज़ तो अपना हो गया. तो देखो मैं क्या करता हूँ, अब है ना मैं इनका पहले टोटल करता हूँ, सबसे पहले 160 कूपन्स की मैं बात करूँ, 160 इंटू 40 दैट इज 6400, देन 120 इंटू 120 बोलेगा तो 2400 प्लस 6400 प्लस 2000, तो आपका 10,800 का सेल्स होता था, ये क्या था आपका सेल्स पर डे, सेल्स पर डे,
अच्छा अगर आप क्वेश्चन का लास्ट लाइन पढ़ते हो, वी आर मेकिंग एनुअल स्टेटमेंट राइट, सो इफ यू आर रीडिंग, इफ यू रीड द लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन इन विच वाज इवन नहीं भी दिया होता, हम यही अज्यूम करते हैं, अज्यूमिंग इट इज अ नॉन लीप ईयर कंप्राइजिंग ऑफ 365 डेज, सो 365 डेज में कितना सेल होएगा, सो मल्टीप्लाइड बाई 365 डेज, नंबर ऑफ डेज, यू विल गेट सेल्स पर एनम, पर एनम, तो आपको बस मल्टीप्लाई कर देना है 365 से एंड यू विल गेट योर आंसर, ठीक है। चलो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे स्नैक्स का ऑप्शन तो हट जाएगा हमने बोला, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच हमने ये देखा कि आपका ऊपर मील 190 हो गया और 42 की प्राइस है, तो 7980 प्लस 2200 दैट इज 10180 मल्टीप्लाइड बाई 365 बोलेगा तो 3715, ये दिस विल बी योर आंसर 37,15,700 करके 108 ये ओके इसको मल्टीप्लाई कर दो 39,42,000 दैट विल बी योर सेल्स इन वन ईयर ओके नाउ दिस इज योर वन ईयर का सेल्स राइट फ्रॉम दिस यू नीड टू सब्सट्रैक्ट योर कॉस्ट तो अपन कॉस्ट को सब्सट्रैक्ट कर देगा सबसे पहले ये ए हो गया सेल्स अभी अपन बी में क्या निकालेगा कॉस्ट निकालेगा तो चलो कॉस्ट निकालते हैं या तो इसको आप वन भी बोल सकते हो वन ठीक है ना टू में क्या आ जाएगा आपका कॉस्ट आ जाएगा कॉस्ट में कौन से कॉस्ट है अगर आप देखोगे तो कॉस्ट में गाइस हियर वी गो वी हैव दीज कॉस्ट ये वाले मेरे कॉस्ट है तो मैं उसको यहाँ पर लेके आता हूँ यू कैन हैव अ लुक आपके पास वो अभी आपने लिख लिया है तो अभी सबसे पहला कॉस्ट क्या आएगा कॉस्ट ऑफ सप्लाइज तो सबसे पहले मैं लिख दूंगा कॉस्ट ऑफ सप्लाइज कॉस्ट ऑफ सप्लाइज विच इज कितना तो सिंपल है यहाँ पर सेल्स कितना हो रहा है 39,42,000 जिसका दैट विल बी 70% कॉस्ट ऑफ सप्लाइज वॉज 70% ओवर हियर एंड हियर इट इज 73% वो 3% से बढ़ रहा है सो 3,715,700 इंटू 73% ओके यू विल गेट योर आंसर तो ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ सप्लाई सर कॉस्ट ऑफ सप्लाई के बाद अगर हम बात करें दैट इज यूटिलिटीज एंड मेंटेनेंस की बात करते हैं तो ये पर एनम का सेल्स है तो पर एनम का कॉस्ट ऑफ सप्लाई भी आ गया नाउ यूटिलिटीज एंड मेंटेनेंस अगर हम यूटिलिटीज एंड मेंटेनेंस की बात करेंगे थिंग्स आर क्वाइट ईजी और दैट इज 24,000 बट द थिंग इज इट इज पर मंथ वी नीड पर एनम सो दैट एंटायर थिंग विल बी डिवाइडेड बाई 12 ओके सो दैट 25,000 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 12 तो आपको पर एनम आ जाएगा हियर ऑल्सो इट इज 25,000 ओनली तो मल्टीप्लाइड बाई 12 करके सो दैट आंसर यू विल गेट ओके सर वंस यू गेट दैट देन देर इज अ स्टाफ सैलरी करके तो आई कैन राइट स्टाफ सैलरी कितनी है सर स्टाफ सैलरी सिंपल है स्टाफ की सैलरी जो है इट इज 1,40,000 बट अगेन पर मंथ तो 1,40,000 वी नीड वन ईयर का कंपैरिजन तो इंटू 12 हियर इट इज 1,40,000 माइनस 63,500 उससे कम हुआ है उतना तो 1,40,000 माइनस 63,500 बोले तो 76,500 मल्टीप्लाइड बाई 12 यस सर दैट यू विल गेट देन देर इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू एस एल बी करके स्टैट्यूटरी लेबर बेनिफिट करके दैट वॉज द फुल फॉर्म Let me check. Okay, so the full form was, yes, that is statutory labor benefit karke, theek hai, contribution over there. So I can write contribution to SLB mein likh deta hun, you can write full form statutory labor benefit karke. Yeah, it was 9120, right? So again, 9120 multiplied by 12, but over here now it is reduced to this amount so multiplied by 12 karke that's it there is nothing else which is pending so now things are quite easy chalo karte hain total kar denge to aapko cost aa jayega ek saal ka cost per annum jaise aap total karoge to cost aa jayega to third लॉस ही होने वाला है सर लॉस क्यों होने वाला है बिकॉज हम सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं मतलब कंपनी को मतलब हॉस्पिटल को लॉस होने वाला है तो लॉस पर एनम लॉस और सब्सिडी पर एनम कितनी दी जा रही है विच इज 1-2 चलिए कंप्लीट करते हैं इसको नाउ दैट इज इजी कैलकुलेशन वाला पार्ट है कर लो 3,942,000 इंटू 70% बोले तो 2,759
400 ठीक है, 25,000 इंटू 12 इट मीन्स 3 लाख, ओके 140,000 इंटू 12 बोले तो 140,000 इंटू 12 बोले तो यहाँ पे ये है 16,80,000, ओके देन कॉन्ट्रीब्यूशन 9120 इंटू 12 दैट इज 109,440, टेक द टोटल -3,9 this amount, so you get 906,840. This is in negative. The reason आपका cost ज़्यादा है आप देख सकते हो, this is your sales and this is your cost. Your cost is higher, so you are providing subsidy of this much amount, 9,06,840 करके. Here we go. 3,715,700 × 73% that is 2,712,461 then 25,000 multiplied by 12 3 lakhs 76,500 multiplied by 12 बोले तो 9,18,000 then 5,420 multiplied by 12 okay तो 5,420 multiplied by 12 बोले तो 65,040 add up and you get your cost as 3,995,501 -3,715,700 okay which is 279,801. Please check your calculations and if you feel something is wrong you can check, these are the calculations which are there. A minus B kar 1 minus 2 kar diya and we got this answer, like we have got the answer. Now you can see that यहाँ पे भी ये भी लॉस है, ऑब्वियसली ये भी लॉस है. तो सबसे पहला क्वेश्चन हैविंग डन दिस, दिस वॉज अवर कैलकुलेशन विच वी डिड, दिस वॉज अवर कैलकुलेशन ओके. नाउ अगर अभी हम आगे जाते हैं, मैं क्या बोलता हूँ तुमको, मुझे ये बताओ सबसे पहला ऑप्शन क्या है सर. पहला ऑप्शन है वेदर डाउन साइजिंग ऑपरेशन बाई कट डाउन मेन्यू इज एक्सेप्टेबल और नॉट. तो अगर आप डाउन साइजिंग पे जाते हो तो आपकी सब्सिडी, आपका कॉस्ट कम होता है कि नहीं होता, आपका लॉस जो है वो कम होता है. येस इट इज एक्सेप्टेबल. तो देयर फोर आई कैन से देयर फोर वॉट एवर दे हैव रिटन, डाउन साइजिंग ऑपरेशन बाई कट डाउन मेन्यू इज एक्सेप्टेबल. देयर फोर डाउन साइजिंग ऑपरेशन by cut down menu is acceptable. Therefore downsizing operation by cut down menu is acceptable करके. So what is your answer? It is acceptable. Fine, here we go. Now अगर हम आगे जाते हैं, that is done, the first part is done, the second part, whether SHH जो हमारा हॉस्पिटल है able to reduce the subsidy by 50%, जो हम सब्सिडी या फिर लॉस बेयर कर रहे थे क्या वो 50% से कम हुआ या नहीं हुआ करके. तो लेट्स कैलकुलेट दैट पार्ट. पहला ए पार्ट था जो हम ये बता रहे थे एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं. नाउ बी पार्ट की हम बात कर रहे हैं, तो देखते हैं बी पार्ट में ऐसा रहेगा हमने वो 50% अचीव किया है कि नहीं. तो इट इज़ क्वाइट सिंपल, द फॉर्मूला विल बी लाइक दिस. आपकी पहले सब्सिडी कितनी थी, 906,840. ओके तो अगर आप सब्सिडी की बात करोगे तो सबसे पहले अभी करंटली सब्सिडी कितनी थी, 9,06,840 करके, दैट वॉज द करंट सब्सिडी. अब सब्सिडी में रिडक्शन कितना आया है, तो 9,06,840 से वो कितनी हो गई है, 279,801. That is the reduction which is there. पहले इतना था, अभी इतना सब्सिडी हो गया तो कम हो गया. और ये जितना भी डिफरेंस है आई नीड इन परसेंटेजेस, तो आई विल से मल्टीप्लाइड बाई 100 करके. दैट इज द बेसिक मैथमेटिक्स दैट वी नो. ओके 906,840 - 279,801 गाइस दैट यू गेट इज 6,270. इतने से सब्सिडी कम हुई है. अगर मैं परसेंटेजेस में पूछूं so that will be
69.15% सब्सिडी हैज रिड्यूस्ड बाई दिस मेनी परसेंट, कितना 69.5%. सो क्या है वेदर वी हैव अचीव द टारगेट और नॉट, यू जस्ट टेल मी. येस वी हैव अचीव द टारगेट. सब्सिडी 50% से कम करने का था, अपो ने तो 69.15 से कर दिया. सो वेदर एस एस एच एबल टू रिड्यूस द सब्सिडी बाई 50%, येस देयर फोर एस एच एच हैज reduced subsidy by 69.15%, which is obviously greater than, I'm just writing that, which is greater than or which is more than 50%. Yes, so that is the second requirement. ये दोनों financial parts आप देखोगे तो yeah, these two were the financial parts जहाँ पे आप downsizing का फायदा हो रहा है कि नहीं, और हो रहा है तो कितने percent, वो 50% का target achieve हो रहा है कि नहीं. Now, there is a third part. What are the qualitative factors? Again, you have to think about it कि सर downsize कर लिया, खर्चा तो कम हो गया, लेकिन इस कुछ impact आ सकता है क्या, मतलब non-financial factor आपको सोचना है. Okay, so you just think and then I will make the summary. Okay guys, so now if we talk about the qualitative factors which we need to consider, qualitative factors which we need to consider, अगर हम इनकी बात करें तो देखना जरा कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए अगर आप downsize कर रहे हो. Non-financial factors for downsizing, अगर आप downsizing कर रहे हो तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए, खाली पैसे के बारे में मत सोच. कौन सी चीज़ है, पहला retrenchment of employees may have a severe consequence. As you can see that आप कुछ employees को कम कर रहे हो, आपकी जो salary है, you can have a look, जहाँ पे इतनी salary थी अभी खाली आपकी इतनी salary जाएगी, जहाँ पे 140,000 एक महीने का जा रहा था, there your salary will be only 76,500 and the reason is आपने कुछ लोगों को कम किया है. अब आप ही सोचो, अगर canteen में 7 लोग थे पहले, I think there were 7 people, if you just read that, 7 स्टाफ मेंबर थे, तो 7 लोग कैंटीन के अंदर थे. अगर आप उनमें से कुछ लोगों को निकाल देते हो जिससे सैलरी कम हो जाती है, कैंटीन का खर्चा कम हो जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड इसे प्रॉब्लम क्या होगा. इसे प्रॉब्लम ये होगा, सीवियर कॉन्सिक्वेंस विल बी, फर्स्ट ऑफ ऑल दो ऑप्शन है. 7 में से मान लो आपने 3 लोगों को निकाल लिया, 7 लोग जो स्टाफ में थे 3 लोगों को निकाल लिया, तो आप निकाल के कहीं और ट्रांसफर कर सकते हो. If transferred to other department, then the cost impact on such department, वो भी देखो उधर transfer किया तो उनको salary कितनी दी जा रही है वगैरह. और मान लो अगर आप उनको transfer वगैरह नहीं करते हो, सीधा निकाल देते हो hospital में से, इसका क्या बुरा impact होगा. अब सोचो employees demotivate हो जाएंगे, 7 में से 3 लोग निकल गए तो बचे हुए 4 लोग क्या सोचेंगे, अपना number कभी भी आ सकता है, ये company को अपनी नहीं पड़ी है, employees लोगों की नहीं पड़ी है करके. सो इफ retrench, एंड सबसे पहले निकालने से पहले ये चेक करना चाहिए कि क्या हॉस्पिटल के बाईलॉज जो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, वेदर डू दे अलाउ दैट, और अगर आपने निकाला तो क्या उनको फेयर कॉम्पनसेशन दिया या नहीं दिया. और निकालने की वजह से यू कैन से देर विल बी अ जॉब इनसिक्योरिटी, दूसरे एम्प्लॉयज जो बचे और उनके वजह से उनका मोटिवेशन कम हो जाएगा. सो रिट्रेचमेंट, सो एक ये निगेटिव इम्पैक्ट है, पैसे के तो अपने बारे में देख लिया, लेकिन एम्प्लॉयज विल बी डीमोटिवेटेड, उनको जॉब सिक्योरिटी नहीं रहेगी करके वैसा. दैट इज वन थिंग रिट्रेंचमेंट के बाद. सेकेंड, इवन आपने एक चीज़ एक किया है, एक तो स्टाफ कम किया है, और जो आप मील्स प्रोवाइड कर रहे थे उसमें किसका प्राइस बढ़ाया है आपने. इफ आई टेल यू, यू हैव इंक्रीज द प्राइस ऑफ मील्स, यू कैन सी आपने 40 का 42 कर दिया है. और इवन ये उसके बाद आप अगर आप स्नैक्स की बात करोगे तो स्नैक्स का ऑप्शन हटा दिया है. तो सबसे पहले अगर आपने 40 का 42 किया है, अगर आपने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं तो उससे प्रॉब्लम क्या आएगा, 5% से इंक्रीज किया था प्राइस बिकॉज ऑफ दिस. देखो स्टाफ में कौन कौन आता है, एक पहले तो एक डॉक्टर है और स्टाफ में एडमिन वाला पार्ट है, आप देख सकते हो जो क्वेश्चन की समरी थी. और देन देयर इज अ नर्सेज ग्रेड फॉर एम्प्लॉयज, अभी ग्रेड फॉर एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी ऑलरेडी कम होती है. सोचो अगर कंपनी क्या करता है, मील्स जो मेन खाना पीने का है वही उसकी का प्राइसेस बढ़ा देता है. ग्रेड फॉर एम्प्लॉयज जिसकी सैलरी ऑलरेडी कम है वो क्या सोचेगा, कंपनी को तो हमारी पड़ी ही नहीं है, बस खुद का प्रॉफिट है, प्राइसेस बढ़ा दिए करके. तो अगेन इट विल डीमोटिवेट यूर एम्प्लॉयज इफ यू इंक्रीज द प्राइसेज. ओके, आपके लिए फायदा होगा बट या एम्प्लॉय विल फील कि मैनेजमेंट को खुद की ही पड़ी है, एम्प्लॉयज की नहीं पड़ी है. तो सब्सिडी जो होती है इट मींस बेनिफिट टू द एम्प्लॉय, आप सस्ते में देते हो. एंड इंक्रीज इन द प्राइस मींस रिडक्शन इन सब्सिडी, जो चीज आप 10 रुपए की दे रहे थे 15 की दे रहे हो तो आप सब्सिडी कम कर रहे हो, महंगा कर रहे हो प्रोडक्ट को. एंड इट इज नथिंग बट एम्प्लॉय बेनिफिट को कम करना, और एम्प्लॉय बेनिफिट कम करोगे तो ज्यादा इंपैक्ट इसके ऊपर आएगा ग्रेड फॉर एम्प्लॉयज. चलो डॉक्टर की सैलरी बहुत ज्यादा होती है तो उसको इतना इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन जो लोअर लेवल वाला आता है
उसकी प्राइजेस अगर बढ़ेगी मील्स की तो उसको बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होगा. एंड सेम रिडक्शन इन मोटिवेशन, सेम हियर ऑल्सो रिडक्शन इन मोटिवेशन. रिडक्शन इन मोटिवेशन एज स्टाफ में थिंक मैनेजमेंट इज नॉट एम्प्लॉई ओरिएंटेड, खुद की ही पढ़िए करके स्टाफ में स्पेसिफिकली ग्रेड फोर वाला. ठीक है, तो एक चीज स्टाफ कम किया वो गलत है, रिट्रेचमेंट वाला. दूसरी चीज, तो जॉब सिक्योरिटी हो जाएगी, जॉब इनसिक्योरिटी विल बी देयर. देन इफ यू इंक्रीज द प्राइसेस दैट इज ऑल्सो नॉट गुड, एम्प्लॉई विल फील ये मैनेजमेंट एम्प्लॉई ओरिएंटेड नहीं है करके, इज नॉट एम्प्लॉई ओरिएंटेड. थर्ड, देन वॉट विल हैपन, अपने स्नैक्स का ऑप्शन हटा दिया, मील के प्राइसेस बढ़ा दिए और स्नैक्स का ऑप्शन ही हटा दिया सर. इससे क्या होगा, जो वहाँ के रेसिडेंट डॉक्टर्स है और रेसिडेंट स्टाफ है वो क्या सोचेगा, हम अगर वहाँ पे रहते हैं वगैरह रेसिडेंट है वहाँ के, तो नाउ जो स्नैक्स था वो ऑल टाइम अवेलेबल था. स्नैक्स वॉज अवेलेबल, लाइक स्नैक्स एंड जूसेस एंड बिस्किट्स वर अवेलेबल कभी भी आप जाओ तो. बट दिस मील इज अवेलेबल ओनली इन स्पेसिफिक आवर्स. अगर आप क्वेश्चन का मैं आपको पढ़ा दूँ लाइन, तो यहाँ पे यू कैन हैव अ लुक. कैंटीन वो 24 घंटा काम करती है, लेकिन मील इज सर्व्ड ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स एंड स्नैक्स एंड जूसेस आर अवेलेबल थ्रू आउट करके 24 घंटा अवेलेबल है. स्नैक्स, उसमें से स्नैक्स हटा दिया जो मेन खाने के लिए. जूसेस तो ठीक है यार, जूसेस कितने देर तक आदमी रहेगा. जो मील वाला स्नैक्स वाला पार्ट था, अभी रात है, रात को मील्स तो अवेलेबल नहीं रहेगा आपका खाना वगैरह, तो स्नैक्स के ऊपर जिंदा रहेगा आदमी, मतलब कि खाएगा पिएगा और पेट भरेगा. अब स्नैक्स भी नहीं है तो इट विल डीमोटिवेट यूर एम्प्लॉइज विच स्पेसिफिकली रेसिडेंट, एंड रेसिडेंट एम्प्लॉइज आर की प्लेस की रोल टू द हॉस्पिटल. कभी भी जरूरत है वो लोग आते हैं करके, और स्नैक्स अवेलेबल नहीं है दे विल फील सारा कंपनी को अपनी पड़ी नहीं है, हॉस्पिटल को अपनी पड़ी नहीं है. सो स्नैक्स कट डाउन फ्रॉम मेन्यू इज अनजस्टिस फॉर रेसिडेंट डॉक्टर्स एंड स्टाफ एज मील इज अवेलेबल ड्यूरिंग स्पेसिफिक आवर्स ओनली. तो एंड स्नैक्स तो 24 घंटा मिलता था, तो ये एक इनजस्टिस हो जाएगा उनके साथ. ठीक है, सो दैट वॉज नॉन फिनेंशियल परस्पेक्टिव. तीन चीज़ें थी, एक तो एम्प्लॉयज को निकालना, देन प्राइजेस बढ़ाना और स्नैक्स का ऑप्शन हटाना करके. ठीक है, Here we go, अपना पहला ऑप्शन सर खत्म हो जाता है, पहला रिक्वायरमेंट क्वेश्चन का. लेट अस गो फॉर द सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन. वंस हैविंग डन दिस, सर हमने इतना कर लिया है, अभी हम सेकंड वाले ऑप्शन पे आ रहे हैं. सेकंड वाले ऑप्शन में क्या लिखा गया है, एडवाइज द मैनेजमेंट ऑफ SSH सपोर्टेड विद द फॉलोइंग पॉइंट्स. कुछ पॉइंट्स को लेकर यू जस्ट नीड टू गिव द सजेशन. पहला, डज प्रपोजल फ्रॉम अन्नपूर्णा केटरर्स इज बेनिफिशियल देन डाउनसाइजिंग और नॉट. मतलब अभी कंपैरिजन किस चीज में होगा, अभी कंपैरिजन देखो किस चीज का होगा, इसका और इसका. डाउनसाइजिंग पहले तो ये तो दो देख लिया, करंट और डाउनसाइजिंग में से क्या बेटर है, डाउनसाइजिंग. अब डाउनसाइजिंग बेटर है या आउटसोर्सिंग बेटर है वो हमें देखना होगा. ठीक है, देन देर विल बी वन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर ऑल्सो. क्या, हाईलाइट एनी टू नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स. पहले फाइनेंशियल्स की बात करते हैं, तो चलो नाउ देर विल बी अ सेकेंड रिक्वायरमेंट आई विल से. क्वेश्चन का जो सेकंड रोमन नंबर है उसका आंसर दे रहे हैं, उसमें से पहले पार्ट का आंसर दे रहे हैं. तो एक काम करते हैं, हमें ये पता है डाउनसाइजिंग करते हो, तब कंपनी का सब्सिडी कितना जाता है या तो लॉस कितने का होता है, इतने का. आउटसोर्सिंग में देखते हैं क्या होता है करके. सो स्पेसिफिकली आई विल मेक द स्टेटमेंट शोइंग टोटलिटी इन अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट और टोटल प्रॉफिट और लॉस फॉर वॉट, आउटसोर्सिंग वाले पार्ट के लिए. सो लेट अस मेक दैट स्टेटमेंट. सो लेट अस राइट दैट स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस अंडर आउटसोर्सिंग ऑप्शन. तो आउटसोर्सिंग ऑप्शन में क्या होगा, अगेन दिस विल बी एनुअल. इफ यू वॉन्ट टू राइट इट इज पर एनम एनुअल बेसिस पे एवरीथिंग इज पर एनम. एक आपने मेजरमेंट डिसाइड कर लिया था, यहाँ पर एनम पे करेंगे. तो पर्टिकुलर्स देखते हैं, प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है अगर आप आउटसोर्सिंग करते हो तो पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. अच्छा, सबसे पहले अगर आप आउटसोर्सिंग करते हो, मतलब आपको कोई झंझट नहीं है, अपना जो जगह है ना कैंटीन का वहाँ पे सामने अन्नपूर्णा केटरर्स था, वो वाला आएगा और वो अपना काम करेगा. अब इस केस में तुमको ना लेबर अपॉइंट करने की ज़रूरत है ना कुछ करने की ज़रूरत है, और वो अपनी जगह यूज़ कर रहा है तो हमें रेंट देगा, तो ठीक है. सबसे पहली बात इनकम. आई कैन जस्ट थिंक ऑफ वन थिंग इज फर्स्ट इनकम की अगर हम बात करते हैं, तो इनकम में देखते हैं कौन सी इनकम्स आएंगी. इनकम में पहले तो वो लीज वैल्यू, अच्छा क्वेश्चन का समरी है अपने पास, लेट मी जस्ट ब्रिंग दैट समरी. दिस समरी देखो, ये वाला समरी ले लेते हैं. सो देयर इज सच नो स्पेस ओवर हियर, सो लेट मी पुट इट हियर ओनली. ओके, आउटसोर्सिंग वाले ऑप्शन में ऐसा था कि आपका जो लीज वैल्यू था वो 168,000 था, तो एक साल का आपको लीज वैल्यू मिलेगा. इनकम में क्या होगा, एक तो लीज रेंट, लीज वैल्यू यू कैन से, और
168,000. दिस इज द इनकम जो एनुअल बेसिस पे जनरेट होगा. देन उसके बाद हमें कुछ 2% ऑफ सेल्स मिलेगा, सो दैट आई विल शो 2% ऑफ सेल्स. जितने भी कभी वो सेल्स करेगा उसका अपने को 2% देगा. तो अगर आपको वो बताना है तो यू कैन जस्ट से कि ये एक इंटू 2% होगा तो ये डेली बेसिस का आएगा और इंटू 365 करना पड़ेगा. तो आइदर आई कैन शो दैट वर्किंग देयर इटसेल्फ, दैट इज़ अ प्रेफरेबल ऑप्शन. ठीक है, सो विल डू वन थिंग, आई विल शो हियर ओनली दैट वर्किंग. आई विल से मील्स, देन मील्स के बाद आपका स्नैक्स, देन जूसेस एंड बिस्किट्स. तो कितने कितने का सेल होगा, तो दैट वॉज देयर इन द क्वेश्चन. चलो मैं क्वेश्चन यहाँ से देख लेता हूँ. इट वॉज गिवन ओवर हियर, कितना दिया गया था, तो 115 to 50. ओके, देन 100 into 30, देन जूसेस से 2500 डायरेक्ट. ओके, सो यू कैन जस्ट कैलकुलेट 115 to 50. हियर वी गो 7500, देन 100 into 30 बोलेगा तो 3000. तो सेल्स पर डे आ जाएगा आपका. ये अपना इनकम नहीं है, हाँ ये कैटरर वाले का इनकम है, अन्नपूर्णा वाले का. 13,000 रुपया वो एक दिन का कमाएगा, 13,000 सेल्स पर डे. Now what will be sales per annum? Multiply by 365. तो चलो मल्टीप्लाई करते 365 से, तो 4,74,000 ये. अच्छा ठीक है, देन मल्टीप्लाइड बाई 2%. आई कैन से 2%, बिकॉज 2% वो अपने को देगा जितने का भी सेल होगा. तो एक साल में इतने का सेल होगा, इसका 2% आ जाता है 94,900. दैट इज समथिंग विच ही विल प्रोवाइड टू मी. ओके, सो दिस वॉज द वर्किंग, ये वर्किंग थी. ठीक है, इफ आई कैलकुलेट 94,500, ठीक है 94,900 ये मेरा दूसरा इनकम हो जाएगा. देर इज वन मोर इनकम, अपना जितना भी ये कॉस्ट होता है ना, दैट इज यूर अपकीपिंग एंड कुछ समथिंग वॉज देयर, यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस. राइट, यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस का वो 20% अपने को देगा मंथली, जो भी है. तो यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस, आई विल सी लाइक दिस कि इन वन ईयर 25,000 इज पर मंथ. हम एक साल की सोच रहे तो इंटू 12, जिसका 20% हमें मिलेगा करके. ठीक है, सो 25,000 इंटू 12 इंटू 20% बोले तो 60,000 ओवर हियर. ठीक है, इस ऑप्शन को मैं उधर ही लेके जाता हूँ नेक्स्ट पेज पे, वो मेरे लिए बेटर रहेगा. अच्छा, तो देखो ये तीन अपने सेल्स हो गए. अभी इफ आई जस्ट टेक दिस टोटल, तो टोटल रेवेन्यू, टोटल इनकम आ जाएगी. एक साल में कितनी इनकम जनरेट होने वाली है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो लीज रेंट 1,68,000 देगा, 94,900, और वो वेरिएबल वाला पार्ट जो देगा प्लस 60,000. तो ही इज़ गाना पे मी दिस मच. हाँ, और एक चीज़, ही इज गोइंग टू पे मी ओनली 20% ऑफ दिस यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस. मतलब पूरा खर्चा मेरा मैं करूँगा, फिर उसमें से वो 20% मुझे देगा. तो आई कैन से यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस का मेरा खर्चा होगा, कॉस्ट ऑफ सप्लाई का मेरा होगा. क्या तीन तरह के खर्चे थे, कॉस्ट ऑफ सप्लाई मतलब जो भी मटेरियल बनाने का है वो तो वो खुद बनाएगा, तो मेरा खर्चा नहीं है. हाँ, यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस वो 20% मुझे दे रहा है, तो 100 रुपये का मैं खर्चा करूँगा, वो मुझे 20 देगा. माई कॉस्ट विल बी 80 नेट अगर बोलने जाओ. देन लेबर वगैरह भी उसके ही रहेंगे, बिकॉज आउटसोर्स किया है सारा काम. ठीक है, यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस,
अगर कुछ नहीं बोला होता तो ये भी पूरा उसी का होता, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला गया है दैट 20% ही विल पे, तो बचा हुआ विल बी माई कॉस्ट, दैट विल बी दिस 25,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, दैट्स इट एंड यू गो हियर, 3 लाख इज योर कॉस्ट। सर 3 लाख आपके जेब से जाएगा यूटिलिटी एंड मेंटेनेंस, और ऊपर उसमें से आपको कितना मिल जाएगा, 60,000, ये लिख भी दिया है, तो नेट आपके जेब से कितना जाएगा, यू नो दैट। ओके नाउ लेट्स हैव अ लुक वेदर इट इज़ अ प्रॉफिट और लॉस। एज यू कैन सी गाइज, दिस इज प्रॉफिट 22,900, दिस इज अ प्रॉफिट पर एनम इफ यू आउटसोर्स, राइट। सो अब क्या करना चाहिए सर, अगर आप आउटसोर्स करते हो तो यू गेट प्रॉफिट, तो बेटर है ना, वेदर यू ना यू हैव टू टेल मी इफ यू डाउन साइज द ऑपरेशन, वॉट इज गोइंग टू हैपन गाइज, इफ यू डाउन साइज द ऑपरेशन देर इज स्टिल लॉस है, कम है, पहले इतना था, डाउन साइजिंग में इतना लॉस है 2,79,000 का, बट लॉस तो है, बट आउटसोर्सिंग में तो लॉस नहीं है, देर इज अ प्रॉफिट दैट यू डू। ओके सो यू कैन जस्ट राइट दैट, या आउटसोर्सिंग इज बेटर ऑप्शन, दैट वॉज समथिंग विच देवर आस्किंग फॉर। डज द प्रपोजल फ्रॉम अन्नपूर्णा केटरर्स इज बेनिफिशियल देन डाउन साइजिंग, येस, देर फोर प्रपोजल फ्रॉम अन्नपूर्णा केटरर है शायद, हाँ अन्नपूर्णा केटरर इज एक्सेप्टेबल देन डाउन साइजिंग। सो प्रपोजल फ्रॉम अन्नपूर्णा केटरर्स इज एक्सेप्टेबल देन डाउन साइजिंग, दैट इज समथिंग विच वी डिड। ओके ना और नॉट करके, तो इट इज एक्सेप्टेबल करके, सो बिकॉज देर इज अ प्रॉफिट, यू कैन सी देर इज अ प्रॉफिट, वहाँ पे तो फिर भी लॉस था, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, एक्सेप्टेबल है। अच्छा देन हाईलाइट एनी टू नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स, तो चलो टू नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स, तो अभी बी पार्ट पे आएंगे, नॉन फाइनेंशियल वाले पार्ट पे। ओके और डिस्कस करते हैं एनी टू नॉन मॉनिटरी फैक्टर्स फॉर दिस वी कैन से आउटसोर्सिंग, तो आउटसोर्सिंग करते टाइम पैसे के अलावा किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, तो सिंपल है। पहली चीज़, तो अगर आप आउटसोर्स करते हो तो अभी आपका जो करंट स्टाफ था कैंटीन का, शेफ वगैरह 7 लोगों का, उनके साथ क्या करने का, जैसे कटिंग डाउन में भी आपने किया था कि अगर कट डाउन करते हो, डाउन साइज करते हो, तो उन स्टाफ को कहाँ पर भेजेंगे, रिट्रेंचमेंट वाला, तो वो पॉइंट, रिट्रेंचमेंट ऑफ स्टाफ एंड इट्स इम्प्लीकेशन, अभी तो पूरा स्टाफ ही निकालना पड़ेगा या तो ट्रांसफर करना पड़ेगा कहीं पर, वहाँ पर तो फिर भी डाउन साइजिंग में कुछ ही स्टाफ जा रहा था। ओके डन, अगेन यहाँ पे प्राइस इंक्रीज है, डाउन साइजिंग में भी अपने मील का प्राइस बढ़ाया था, सेम आप यहाँ पे भी देख सकते हो आपकी प्राइसेस ज़्यादा है। अगर मैं आपको बता दूँ तो देखो नॉर्मली जो प्राइस चार्ज हो रहे थे, नॉर्मली वो ये चार्ज हो रहे थे, नॉर्मल द प्राइसेस विच वी यूज टू चार्ज इज 40 रुपीज़ एंड 20 रुपीज़ पर प्लेट यहाँ पे, और यहाँ पे 50 एंड 30 हो जाएगा। देखो तो 40 का 40, यू कैन हैव अ लुक, 40 का 50 हो गया, 20 का 30 हो गया, तो अगर आप प्राइस बढ़ाते हो तो अगेन एम्प्लॉई विल नॉट बी हैप्पी इन दैट केस, यू अंडरस्टैंड दैट, या एम्प्लॉई विल नॉट बी हैप्पी इफ यू इंक्रीज द प्राइस, राइट। तो आउटसोर्स कर रहे हो और प्राइसेस बढ़ ही रहे, तो अगेन दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सेम जहाँ पे आपने डाउन साइजिंग में भी यही पॉइंट देखा था, देखो दो, एक रिट्रेचमेंट वाला और एक इंक्रीज इन प्राइस वाला, सो दैट कैन बी रिटन एज इट इज। ओके अदर इज वन मोर पॉइंट विच यू कैन राइट, विच इज अ क्वालिटी ऑफ द फूड, बिकॉज अभी फूड आपका स्टाफ नहीं बना रहा है, तो नाउ दिस इज समथिंग विच इज आउटसोर्स, तो अभी जो आउटसोर्स वाला है उसके ऊपर कितना भरोसा किया जा सकता है, वो कितने अच्छे क्वालिटी का फूड तुम्हें प्रोवाइड कर सकता है, दैट इज द वन क्वेश्चन। बाहर वाला देखो घर का खाना, मतलब इन द सेंस अगर आपके 7 लोग हैं, एम्प्लॉयज लोग बना रहे, यू हैव अ कंट्रोल ओवर देम, बट बाहर वाला आदमी आउटसोर्स किया है वो बना रहा है, तो यू डोंट हैव एनी कंट्रोल कितने अच्छे क्वालिटी का वो गुड्स प्रोवाइड करेगा करके, राइट। सो दैट इज वन थिंग, वो भी अपने एम्प्लॉयज को करना है खाना, तो दैट इज वॉट इट इज। हियर वी गो, वी कैन सी दैट द क्वेश्चन इज डन। इफ यू जस्ट लाइक द वीडियो, आप यहां तक बने हो, इट मीन्स यू मस्ट हैव वॉच द एंटायर वीडियो, राइट। सो इन दैट केस यू कैन, इफ यू वॉन्ट टू मोटिवेट मी, यू कैन जस्ट लाइक एंड कॉमेंट दैट कैसा वीडियो था करके, इट विल हेल्प मी टू ग्रो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू।